हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं किलोग्राम का हिसाब कैसे करते हैं, चुटकियों में इसका हल करेंगे। मात्र आपको 2 सेकेंड लगेगा। कोई भी सवाल अगर किलोग्राम से दिया रहेगा, आपको अगर बोल दिया जाए कि 10 रुपये किलो आलू है तो 100 ग्राम का दाम बताए, 50 रुपये किलो है तो 100 ग्राम का दाम, 50 ग्राम का दाम बताना हो तो आप बिना पेन कॉपी का ही बता सकते हैं। मात्र 2 सेकेंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसके लिए आपको 2 रूल को याद रखना होगा। कि नोट पहला क्या है, यहाँ पे 100 ग्राम के दाम निकालने के लिए रुपया के इकाई अंक 0 हो तो उसे हटा देंगे। पहला नियम क्या है कि 100 ग्राम का अगर दाम निकालना हो तो रुपया के इकाई अंक 0 हो तो उसे हटा देंगे। दूसरा रूल क्या है, 100 ग्राम के दाम निकालने के लिए रुपया के इकाई अंक 0 न हो तो उस अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। चलिए, यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको हम सवाल पर समझा देंगे। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 100 ग्राम का दाम निकालने के लिए 0 क्या कहते हैं, 100 ग्राम का दाम निकालने के लिए रुपया के इकाई अंक 0 हो तो उसे हटा देंगे। जैसे यहाँ सवाल पर चलिए, देखिए यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है, 10 रुपये किलो आलू है तो 100 ग्राम का दाम बताए। देखिए 10 रुपये किलो आलू है तो कहता है 100 ग्राम का दाम बताए, तो 100 ग्राम का दाम जब भी बताना हो तो यहाँ हम क्या लिखे, 100 ग्राम का दाम निकालने के लिए रुपया के इकाई अंक 0 हो तो उसे हटा देंगे। तो देखिए यहाँ रुपया में मेरा क्या 0 है ना, तो 0 को हटा देंगे। 0 क्या किया हम यहाँ पर हटा दिए, 0 को हटा देंगे कितना जाएगा सीधा, तो 100 ग्राम का दाम बोलेगा सीधा यहाँ पर हम 1 रुपया इसको लिख सकते हैं। कितना रुपया लिखेंगे, 1 रुपया। अगर इसी में आपको बोल दिया गया 50 ग्राम का दाम तो इसको क्या करेंगे, आधा कर देंगे। इसको आधा करेंगे तो कितना होगा, 0.5 रुपीज़ हो जाएगा। 0 रुपया कितना होगा, 0.5। 25 ग्राम का दाम कितना होगा, तो इसको क्या करेंगे हम आधा कर देंगे, 0.25 रुपया हो जाएगा। चलिए इसमें हम क्या कहें, 100 ग्राम का दाम निकाल दिए। यहाँ पर क्या नियम है इसका, 100 ग्राम का दाम निकालने के लिए रुपया के इकाई अंक 0 हो तो उसे हटा देंगे। तो देखिए यहाँ रुपया के इकाई अंक मेरा क्या है, 0 है, 0 को हटा दिया सीधा कितना हो गया, 1 रुपया हो गया। इसी में 50 ग्राम का दाम पूछेगा तो सीधा क्या करेंगे, 100 ग्राम का रहा होता 50 ग्राम ना, इसको भी आधा कर देंगे। फिर 50 ग्राम का रहा कितना होता है, 25 ग्राम, इसको भी क्या करेंगे यहाँ पर हम 25 पैसा को आधा कर देंगे। 0.5 रुपीज का क्या हुआ, इसका आधा हुआ 0.25 रुपया हो गया। इसी तरह क्या करते हैं, अगर यहाँ पर 200 ग्राम का दाम पूछेगा तो 100 ग्राम का दाम 1 रुपया, 200 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 × 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2 रुपया। इस तरीका से हम बनाएंगे। चलिए यहाँ पर क्या है, 80 रुपये किलो दाल है तो 100 ग्राम का दाम बताएं। 80 रुपये किलो अगर दाल रहेगा तो 100 ग्राम का दाम बोलेगा, तो यहाँ पर एक इकाई अंक मेरा क्या है, 0 है, तो क्या करेंगे 0 को हटा देंगे। 100 ग्राम का दाम कितना हो गया, 8 रुपया हो गया। फिर 50 ग्राम का दाम पूछेगा तो यहाँ 50 ग्राम का कितना हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा। 25 ग्राम का दाम पूछेगा तो यहाँ हो जाएगा 2 रुपया हो जाएगा। इसी में आपको अगर 200 ग्राम का दाम पूछेगा तो 100 ग्राम का दाम 8 रुपया, 200 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 रुपया हो जाएगा, 8 × 16 रुपया हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या है, यहाँ पर देखिए 160 रुपये किलो टमाटर है तो 100 ग्राम का दाम बताए। 160 रुपये किलो टमाटर तो यहाँ क्या है, देखो इकाई अंक मेरा क्या है, 0 है, 0 को हटा देंगे। 100 ग्राम का दाम कितना हो गया, 16 रुपया। 50 ग्राम का दाम कितना हो गया, यहाँ पर 8 रुपया। 25 ग्राम का दाम पूछेगा, 25 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 रुपया। यहाँ पर पूछ रहा है 200 ग्राम का दाम, 100 ग्राम का दाम 16 रुपया, 200 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा, 16 × 2 = 32 रुपया हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 250 ग्राम का दाम पूछ रहा है, यानी 250 ग्राम का दाम पूछ रहा है, तो देखिए 200 ग्राम का दाम 32 रुपया है और फिर यहाँ पर कितना है, 50 ग्राम, 250 ग्राम है ना, 200 ग्राम का दाम 32 रुपया हो जाएगा और 50 ग्राम का दाम कितना है, यहाँ पर 8 रुपया हो जाएगा, तो 32 से 8 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 40 रुपया हो जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 160 रुपये किलो है तो आधा किलो का दाम कितना हो जाएगा, 80 रुपया, 80 या पाव किलो का दाम कितना हो जाएगा, 80 × 40 रुपया। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं आप। चलिए कोई भी अगर आपको 0 वाला सवाल रहेगा ना, जैसे यहाँ पर कह दिया जाएगा आपको 400 किलो, मान लो 400 किलो काजू है, काजू कैसे है 400 किलो है, 400 किलो है, तो इसमें अगर पूछ दिया जाए कि 100 ग्राम का दाम कितना होगा बताए, तो 100 ग्राम का दाम तो यहाँ क्या करेंगे, 1 0 को हटा देंगे। सिर्फ क्या करना है, इकाई अंक को हटाना है, यहाँ पर कितना भी 0 रहने दीजिए, सिर्फ 1 0 को हटाना है, तो 100 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा, 40 रुपया हो जाएगा। अगर यहाँ पर कह दिया जाएगा आपको 700 किलो है, 700 क्या है, किलो है, 700 किलो अगर मान लीजिए कह दिया जाएगा बादाम है, तो 100 ग्राम का दाम पूछेगा तो 1 0 को हटा देंगे, कितना जाएगा यहाँ पर, 70 रुपया हो जाएगा।
सीधा क्या करना है, इकाई अंक जैसे जीरो रहेगा ना, एक जीरो को हटा देंगे। अब हम यहाँ पर जीरो वाला तो बता दिए, अब बिना जीरो वाला को कैसे बनाएंगे वो हम बताएंगे आपको। चलिए, इस सवाल में मेरा क्या है, इकाई अंक जीरो नहीं है, तो इसके लिए भी हम रूल यहाँ पर बताए थे। देखिए कि 100 ग्राम का दाम निकालने के लिए रुपया के इकाई अंक जीरो न हो तो उस अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अगर जीरो न हो तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जीरो मेरा इकाई अंक है नहीं है, तो जीरो मेरा इकाई अंक नहीं है तो हमको 100 ग्राम का दाम निकालना हो तो कैसे निकाले। जैसे 15 रुपये किलो प्याज है तो 100 ग्राम का दाम निकालना है, तो इसको क्या करेंगे हम, देखिए 100 ग्राम का दाम निकालना है, यहाँ पर अगर जीरो नहीं रहेगा ना तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे दशमलव हम लगा देंगे। यहाँ पर देखिए दशमलव लगा दिए, यानी 100 ग्राम का दाम हो गया एक। यहाँ पर हम क्या करें, अपनी मर्जी से हम जीरो लगा सकते हैं, दशमलव के बाद क्या होता है जीरो का वैल्यू नहीं रहता है, यानी इसको हम 1.5 रुपया बोल सकते हैं। चलिए, इसके बाद यहाँ 50 ग्राम का दाम निकालना है तो इसको आधा कर देंगे, तो 150 का आधा कितना होता है 75 होता है ना, यहाँ लिख देंगे 0.0 कितना आ जाएगा 75, इतना रुपया हो जाएगा। अगर 25 ग्राम का दाम पूछेगा, देखिए 25 ग्राम का दाम निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम जीरो इसको आधा कर देंगे फिर, तो 0.0 कितना जाएगा, यह 37 हो जाएगा। अगर इसी में 200 ग्राम का दाम पूछेगा, 200 ग्राम दाम, तो इसको क्या करेंगे 1.5 रुपया का दोगुना कर देंगे, 100 ग्राम का दाम कितना है 1.5 रुपया है, इसको दोगुना करेंगे तो यह कितना जाएगा 3 रुपया हो जाएगा। 3 रुपया को हम इस तरीके से लिखते हैं ना, दशमलव के बाद क्या करते हैं जीरो, जैसे जैसे हम मान लीजिए 1 रुपया लिखना हो तो कैसे लिखते हैं हम, 1.00, इस तरीके से हम 1 रुपया लिखते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं जीरो को वैल्यू नहीं कर, डायरेक्ट यहाँ पर हम एक मान लेते हैं। अगर यहाँ पर 250 ग्राम का दाम निकालना हो तो कैसे निकालें, तो यहाँ पर देखिए 200 ग्राम का दाम मेरा कितना है 3 रुपया है, और फिर यहाँ 50 ग्राम का निकाल, 50 ग्राम का दाम कितना है 75 पैसा है, यानी 0.75 रुपया है, यहाँ पर जोड़ लेंगे 0.75 रुपया, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 3.75 रुपया हो जाएगा, कितना जाएगा। फिर यहाँ देखिए 85 रुपये किलो चावल है तो 100 ग्राम का दाम, जब भी 100 ग्राम का दाम पूछेगा तो सीधा यहाँ दशमलव लगा देंगे बस, अगर जीरो इकाई अंक जीरो नहीं रहेगा ना, यहाँ दशमलव डाल देंगे, एक अंक के बाद दशमलव डाल देंगे, तो 100 ग्राम का दाम कितना हो गया 8.50 रुपया। यहाँ पर दशमलव के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर जीरो लगा रहे थे, यहाँ पर नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, क्या बोलेंगे इसको हम 8.50 रुपया बोलेंगे, या तो ऐसे भी बोलेंगे 8.50 इतना रुपया, दशमलव के बाद हम पैसा में चल जाते हैं इसको लेके। अगर 50 ग्राम का दाम निकालना तो इसको क्या करेंगे 4.25 रुपया हो जाएगा, 4.2 इसको आधा कर देंगे। अगर 25 ग्राम का दाम निकालना हो तो फिर इसको 2 से भाग करेंगे, तो देखो 2 दूना 4, 2 इकाई 2, फिर 2 दूना 4, 2 पंचे 10, इतना रुपया हो जाएगा, यह 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर यह यहाँ 2 इकाई 2, यहाँ पर हो जाएगा जीरो। देखो इसको जब हम क्या 50 ग्राम का दाम निकाले, 25 ग्राम का दाम निकालेंगे तो कितना 2.125 रुपया हो जाएगा। अगर यहाँ पर 200 ग्राम का दाम निकालना हो तो इसको क्या करेंगे, देखो 8.50 रुपया है ना, इसको दोगुना कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा 8.17 रुपया हो जाएगा, 8 दूना 16, 50 17 रुपया हो जाएगा, यह 17 रुपया, इसको 17 रुपया लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ फिर क्या निकालना है, 250 ग्राम का दाम निकालना है, 200 ग्राम का दाम 17 रुपया है, और फिर 50 ग्राम का निकालना, 50 ग्राम का दाम कितना है 4.25 रुपया है, या 4.25 रुपया बोल सकते हैं, 4.25 है, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 17, 4 कितना होता है 21 होता है, 21.25 रुपया।